सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक. सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस मैंने एक वीडियो बनाया है एंड आई डिड नॉट गेट अ चांस टू इवन थैंक यू गाइज फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स. चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं. सो इट वॉज अ वेरी वेरी बिग गोल फॉर मी, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम पे आई हैड जीरो सब्सक्राइबर्स, लिटरली जीरो. एंड मैंने ऐसा सोचा था कि एक टाइम पे 1,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. सो फर्स्ट 1,000 वर द मोस्ट डिफिकल्ट एंड उसके बाद 5,000, देन धीरे धीरे कंसिस्टेंटली व्हेन आई केप्ट ऑन पोस्टिंग. सो नाउ आफ्टर 1.5 years ऑलमोस्ट हमारे चैनल ने फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं. एंड आई होप कि मैं और अच्छा कंटेंट अभी बनाऊं, बिकॉज जिस तरह का कंटेंट मुझे डालना है उसके लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एडिटिंग एंड एडिटिंग के लिए टाइम निकालना भी थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए सीइंग माय करंट स्केड्यूल. बट आई ट्राई माई बेस्ट कि वीडियोज मैं बहुत अच्छे से डाल पाऊँ आने वाले टाइम में. अभी मैं बहुत सारे वीडियोज डालने वाला हूँ और अभी मेरे पास शायद एक हफ्ता दो हफ्ता फ्री है, तो इन एक दो हफ्तों में आई मोस्टली पोस्ट अ वीडियो एवरी 2 days, एवरी 3rd day. लॉट ऑफ कंटेंट कमिंग योर वे. सो कमिंग टू टूडेज वीडियो टॉपिक, तो आज की वीडियो में आई टेल यू गाइज अबाउट इंटर्नशिप्स एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस. तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करते करते कैसे आप कैनेडियन एक्सपीरियंस और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो एंड हाउ आई अप्रोच इट एंड हाउ आई एम डूइंग इट एंड आई टेल यू गाइज ऑल माई सीक्रेट्स, वट एवर टूल्स आई यूज, वट एवर थिंग्स आई यूज, वेयर आई एम वर्किंग, हाउ कैन यू वर्क देयर एज वेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सो मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखो, बिकॉज इसके अंदर आई टेल यू जो करंट इंटर्नशिप मैं कर रहा हूँ उसके लिए आप लोग भी कैसे अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल डेफिनेटली गेन अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल कैनेडियन एक्सपीरियंस और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू गाइज नीड टू डू इज यू गाइज नीड टू पिक योर नीश. आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए या किस फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए इन जनरल. नाउ बहुत बार मैं आई केप्ट ऑन रीडिंग डीएम्स, तो डीएम्स के अंदर लोग बोलते हैं कि मुझे इंटरेस्ट कहीं और है और मेरे एजेंट ने या किसी और वजह से या फिर मुझे समझ नहीं है तो मैंने कोर्स कोई और ले लिया है. तो एक चीज जो मैंने रियलाइज करी है कनाडा में रहते रहते वो ये है कि आपका कोई भी पैशन हो, लिटरली सेइंग अगर आपको प्लम्बिंग पसंद है ना तो आप उससे रिलेटेड किसी कोर्स में आओ, ना कि आपको अगर आपने सुना है आपके रिश्तेदारों से या किसी से कि आईटी में बहुत स्कोप है तो आप लोग आईटी समझ के आईटी में कोई कोर्स लेके आ जाओ. आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज यहाँ पे रियलिटी ऐसी है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो उसके बाद यहाँ पे करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा है एंड पीपल अर्न सो मच. In most cases, plumbers would earn more than an IT guy. This is just an example. I guess you get my point. तो आपका कोई भी इंटरेस्ट होना तो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ही कोर्स चुन के यहाँ पे आना, बिकॉज आपको यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट हो आप हर चीज में पैसा कमा सकते हो यहाँ पे. एंड जो यहाँ पे मैंने देखा है जो मैकेनिकल चीजें होती है ना जिसमें रिक्वायर फिजिकल एफर्ट, उन चीजों में यहाँ पे पे रेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया. सो डेफिनेटली अगर आप उस फील्ड में हो या इन जनरल किसी भी फील्ड में आपका पैशन है ना तो आप उसके अंदर कोर्स लेके आओ. पिक योर नीश कि आपको किस नीश के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए एंड देन जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप आगे वाले स्टेप्स उस हिसाब से फॉलो करना. द सेकेंड थिंग दैट यू रिक्वायर टू डू इज यू नीड टू अटेंड अ लॉट ऑफ इवेंट्स. नाउ आप इवेंट्स कैसे अटेंड करोगे? मैं जितने भी इवेंट्स में जाता हूँ मुझे बहुत सारे लोग डीएम करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि मैं कैसे इवेंट्स में जाता हूँ, मुझे पता कैसे चलता है ये सब इवेंट्स हैं. मोस्टली मुझे मेरे प्रोफेसर से पता चलता है, बट देयर इज अ ऐप विच इज इवेंट ब्राइट. आप उस ऐप को डाउनलोड करो, आई शो यू कि वो ऐप कैसी दिखती है. तो इवेंट ब्राइट ऐप आपको डाउनलोड करनी है, आपको खोलनी है और ये इंडिया में भी काम करती है, यहाँ पे भी काम करती है. कनाडा में इससे आपको ज्यादा इवेंट्स के बारे में पता चलेगा बिकॉज टोरंटो एंड उसके आसपास बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, सोशल मिक्सर्स से लेके टेक इवेंट्स, डेफ फेस्ट, बहुत तरह के इवेंट्स होते रहते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है, सर्च बार में जाके बस आपको ये लिखना है टेक इवेंट्स इन टोरंटो और उसके बाद आप फिल्टर्स में जाके आप फ्री टिक कर देना. मोस्टली इवेंट्स के अंदर $20-25 की फी होती है. अगर आप उन इवेंट्स के अंदर वॉलंटियर करना चाहते हो देन तो आपके लिए वो फ्री हो जाता है, उसका भी ऑप्शन रहता है. इट्स जस्ट दैट आप इवेंट ब्राइट ऐप के अंदर जाओ, इवेंट सर्च करो, जो भी इवेंट आपको जाना है, वीकेंड्स पे फ्री हो तो आप वीकेंड्स पे जाओ, जस्ट रजिस्टर फॉर दोज इवेंट्स एंड जस्ट शो अप. जब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में रजिस्टर कर दोगे
तो आप किसी भी इवेंट में जा सकते हो, ऐसा नेसेसरी नहीं कि आपने रजिस्टर किया है तो आप जाओ ही जाओ। मैंने पर्सनली एक टाइम पे जब मैं बहुत हार्शली ढूंढ रहा था इंटर्नशिप, तो मैं हर तीसरे दिन एक इवेंट में होता था और उसमें ऐसा था कि मैंने 100 से ज्यादा इवेंट्स में रजिस्टर कर दिया था और मेरे ऊपर था कि कभी मेरे को मन करता था कि जाऊं तो मैं चले आता था, कभी मन नहीं करता था तो मैं छोड़ देता था। बट मोस्टली मैंने उस एक डेढ़ महीना मैंने इतने इवेंट्स में गया हूं मैं कि मतलब मैं क्या बताऊं मैं कितने सारे इवेंट्स में गया था। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको यूजुअली पता होगा क्योंकि मैं सारी स्टोरीज वहां पे डालता रहता हूं, एंड इट डज हेल्प, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक इवेंट्स ही होते हैं, आप अपनी फील्ड के हिसाब से कोई भी इवेंट डालो, हर तरह के इवेंट्स होते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपके हिसाब के इवेंट होते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स के पर्सन हो तो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते रहते हैं। तो हर फील्ड में हर तरह के इवेंट्स कॉन्स्टेंटली यहाँ पे चलते रहते हैं। विंटर्स में थोड़े कम होते हैं, समर्स में बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ एक बार आप इवेंट्स के अंदर चले गए गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को आपके अंदर से ना एक वो जो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपके अंदर एक फीलिंग होती है ना कि आप यूजुअली डोंट टॉक टू द पर्सन आगे से बढ़ के, तो आपको आदत ऐसे डालनी है कि आपके बगल में जो भी इंसान है आप सिर्फ उससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो। आई एम लिटरली सेइंग मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है एंड उसको थोड़ी दिक्कत थी इन टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, बट मैं उसके साथ जब इवेंट्स में जाता था तो द थिंग वॉज मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का बनता हूँ, मतलब मैं किसी से भी बात कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड अ पार्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ यूट्यूब, क्योंकि मैं पहले ऐसा नहीं था, बट यूट्यूब की वजह से when people come and talk to you and तो आपको अंदर से थोड़ा कभी कभार लगता है कि you get nervous also but then you start answering things, और जब आप कैमरे के सामने ऐसे बोलने लग जाते हो तो it changes you in a good way। तो ये चीज में मुझे काफी हेल्प मिली इन बिकमिंग लिटिल एक्सट्रोवर्ट, तो मैं अब तो काफी खुल गया हूं, तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ कभी भी। बट अगर आप इंट्रोवर्ट हो जैसे मेरा दोस्त था, तो जस्ट स्टार्ट बाय टॉकिंग टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। आप आपके बगल वाले इंसान से बात करोगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जगेगा, एंड इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक टाइम में आ जाएगा कि आज वो दोस्त अगर मेरे साथ किसी इवेंट में जाता है, हमारा बहुत सिंपल रूल था कि मतलब हम लोग हर इवेंट में साथ साथ नहीं घूमते, तो ही गोज समवेयर एल्स, आई गो इन द अदर डायरेक्शन एंड वी बोथ टॉक टू डिफरेंट पीपल, एंड देन उस बीच बीच में हम आके बातें करते रहते हैं, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग दिस एंड दैट। तो नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी आस्किंग पीपल फॉर देयर लिंक्डइन प्रोफाइल्स। नाउ अगर आपको पता होगा लिंक्डइन के अंदर बहुत छोटा सा फीचर है, यू कैन स्कैन योर ओन कोड और यू कैन स्कैन समवेयर एल्सेस कोड और आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो जब भी आपकी एक प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन किसी के साथ खत्म होती है ना किसी भी इवेंट में, तो उसके बाद आप उससे बोलो कि कैन आई गेट योर लिंक्डइन प्लीज, और कैन वी कनेक्ट ऑन लिंक्डइन प्लीज, तो आप कोई मना तो करेगा नहीं, तो डेफिनेटली आस्क फॉर दैट लिंक्डइन कनेक्ट, एंड देन उसके बाद यू गाइस कीप ऑन फॉलोइंग अप। समटाइम्स आपको उनकी पोस्ट लाइक दिखेंगी, आपकी लाइक्ड पोस्ट वो देखेंगे, एंड ऐसे करके इंटरेक्शंस बढ़ते हैं और मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अगर आप किसी इवेंट में वॉलंटियर करते हो ना, तो आई से कि उसका सबसे ज्यादा फायदा होता है, आप वॉलंटियर करते हो ना तो यू आर एट द बैक स्टेज ऑफ द थिंग्स, तो यू कनेक्ट विद द पीपल हु आर बिहाइंड द स्टेज, द गाइस हु रन द शो आर द एक्चुअल पीपल हु वर्क ऑन इट, तो आपको उनसे ज्यादा सीखने को मिलता है एंड वो लोग आर द रियल पीपल जिनसे आपको कनेक्ट करना चाहिए। स्पीकर्स और गेस्ट स्पीकर से तो सब लोग कनेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है आप एक्सपीरियंस के लिए, वो ये है कि आप जिस भी इवेंट में जाओगे जस्ट आस्क पीपल कि आई एम दिस 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 दिस, डू यू हैव एनी रोल फॉर मी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इन सब इवेंट्स के अंदर आती हैं, इन सब करियर फेयर्स के अंदर आती हैं। आपको सिर्फ जाके आपको अपना रेज्यूमे का प्रिंट आउट लेके जाने की जरूरत नहीं है, इवन दो पीपल रिकमेंडेड तो एक दो रख लो, बट मैं मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं पर्सनली आई हैव अ वेरी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन विद पीपल एंड देन मैं उनका लिंक्डइन मांगता हूँ और लिंक्डइन पे वो बहुत अच्छे से बातें करता हूँ उनसे, तो आई प्रेफर दैट वे। बट अगर आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं हु विल आस्क फॉर योर रेज्यूमे राइट अवे, तो उसलिए आप एक दो रेज्यूमे अपने साथ लेके जाओ जिस भी इवेंट में जाते हो। अदरवाइज जस्ट टॉक टू कंपनीज की मेरे ये स्किल्स है, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, डू हैव एनी रोल फॉर मी। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मुझे गूगल के डेव फेस्ट में ही मिली थी, जहां पे मैंने जाके आई टॉक टू देम, आई एम लाइक दिस इज दिस इज दिस, आई कैन इवन वर्क फॉर यू फॉर फ्री, और ऐसे ऐसे करके बातें करी थी, एंड देन दे वर लाइक ओके वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड डू यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट, सो दैट वे आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप।
उसके बाद जब आप लोगों से कनेक्ट करने लग जाते हो तो आपको और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है. दैट्स व्हेन आई गॉट माय सेकंड इंटर्नशिप. नाउ सेकंड इंटर्नशिप जो मैं कर रहा हूँ एंड दिस इज वेयर आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड VTF व्हिच इज वर्चुअली टेस्टिंग फाउंडेशन. नाउ बेसिकली इट्स अ US बेस्ड कंपनी. फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आर डूइंग वेरी गुड इन लाइफ नाउ. तो ये लोग पहले VTF के एक्स इंटर्न्स रह चुके हैं. एंड मेरा एक और फ्रेंड जो मुझे इवेंट में मिला था ही वॉज ऑल्सो डूइंग आर इंटर्नशिप विद VTF. तो मैंने उनसे पूछा कि यार आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट. सो फॉर टू मंथ्स फॉर अराउंड टू मंथ्स आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट देयर वेबसाइट फॉर इंटर्नशिप्स एंड देन अ करियर पाथ ओपन. तो करंटली आई एम वर्किंग एज अ साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर विच इज अ प्रॉपर करियर पाथ. तो इसके अंदर दे टीच यू वट एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर डज एंड दिस इज अ अनपेड इंटर्नशिप. बट टू बी ऑनेस्ट गाइज यहाँ पे ना क्योंकि दीज गाइज ओनली आस्क फॉर 3 hours पर डे एंड यू कैन चूज योर टाइम स्लॉट्स एज वेल. तो 3 घंटा रोज का आई फील कि आप दे सकते हो इन ऑर्डर टू गेन एक्सपीरियंस, इन ऑर्डर टू गेन कैनेडियन एक्सपीरियंस, इन जनरल एनी एक्सपीरियंस इन योर फील्ड. क्योंकि ये आपके रेज्यूमे में जाता है और इससे आपको बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि यार ये बंदा नॉर्मल लोगों से कुछ अलग कर रहा है. तो इस हिसाब के आपको एक नहीं, इस हिसाब से आपको 10 companies मिल जाएंगी. आने वाले टाइम में आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन किन सारी कंपनीज के अंदर यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स. यूजुअली VTF के अंदर आपको अगर इंटर्नशिप चाहिए देन यू नीड आई गेस अ रेफरेंस फ्रॉम अ प्रीवियस VTF इंटर्न. तो मैंने मेरे एक दोस्त को रीच आउट किया था देन ही रेफर्ड मी एंड उसकी वजह से आई गॉट द इंटर्नशिप. इंटरव्यू भी हुआ था एंड उसके बाद मतलब वो सब करके आई गॉट द इंटर्नशिप. तो आई गेस आई एम मोर देन हैप्पी. अगर आप लोग मुझसे LinkedIn पे कनेक्ट करते हो एंड इफ यू गाइज वांट टू जॉइन देयर इंटर्नशिप, करंटली आई गेस देयर इज अ IAM रोल की इंटर्नशिप होने वाली है विच इज रिक्वायर्स 6 hours पर डे विच इज 30 hours पर वीक. सो अगर आप टाइम कमिट कर सकते हो तभी ज्वाइन करना, ये बाकी कंपनीज जैसे नहीं है. इफ यू गाइज मिस मोर देन 1 meeting इन अ वीक और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स देन आपकी इंटर्नशिप वही टर्मिनेट हो जाती है. सो टेक इट सीरियसली, टेक इट लाइक अ प्रॉपर इंटर्नशिप, प्रॉपर जॉब, क्योंकि इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है एंड देर आर सो मेनी पीपल इसके अंदर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इट्स ऑल वर्क फ्रॉम होम. तो आपको कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज वन इंटर्नशिप जो कि मैं कर रहा हूँ एंड मैं बहुत ओपनली आप लोगों को कह रहा हूँ कि गाइज प्लीज अप्लाई फॉर इट. मैं नीचे मेरा LinkedIn भी दे दूंगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक भी दे दूंगा. आपको कीप ऑन चेकिंग देयर वेबसाइट्स क्योंकि इनके रोल्स बदलते रहते हैं एंड अलग अलग इंटर्नशिप्स के साथ ये लोग आते रहते हैं. सो दे आर बिगिनर इंटर्नशिप्स, देर आर एडवांस इंटर्नशिप्स, देर आर करियर पाथ्स एंड देर इज अ प्रॉपर रोल एज वेल. तो करंटली आई एम डूइंग अ करियर पाथ क्योंकि मुझे प्रॉपर सीखना था कि एक साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है. बट आप लोगों को जो भी चाहिए आप लोग अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो. सो टेक फील्ड के अंदर दिस इज वन इंटर्नशिप दैट आई रियली वांट यू गाइस टू जॉइन इन. इसके अलावा आने वाले टाइम में आई विल ब्रिंग इन मोर कंपनीज जो कि अलग अलग फील्ड के अंदर करती है. अगर आप किसी और फील्ड के हो, बिजनेस के हो, अगर आप फाइनेंस के हो, तो उन फील्ड्स के अंदर भी इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी कंपनीज होती है. डेफिनेटली हैव अ लुक एट माय LinkedIn एंड Instagram स्टोरीज यूजुअली क्योंकि मैं वहां पे चीजें डालता रहता हूँ. एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू गाइस इज दैट आप लोगों को ना एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि यहाँ पे ना कैनेडियन एक्सपीरियंस और इन जनरल जो एक्सपीरियंस होता है ना यहाँ का, आपने कनाडा में रहते रहते क्या किया है, दैट वैल्यूज अ लॉट एंड उसकी कीमत आप लोग समझ नहीं सकते कितनी ज्यादा है. अगर आपने यहाँ पे बैठे बैठे 4 महीने की इंटर्नशिप करी है, इट इज लाइक इक्विवेलेंट और इवन मोर देन 1 साल आपने कहीं और झक मारे. तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. वी हैव पास 10,000 एंड हमारा नेक्स्ट गोल ऑफ कोर्स 20,000 होगा. एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो प्लीज लाइक द वीडियो एज वेल. कोई इन जनरल डाउट है आपका सो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो. और मेरा LinkedIn, मेरा Instagram कुछ विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. तो आपको जहां भी कनेक्ट करना है, मैसेज करना है, आप लोग कर सकते हो एंड आई ऑलवेज रिप्लाई. थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा बिकॉज आजकल बहुत सारे DMs आते हैं बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं 3 से 4 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स सारे DMs सब कुछ क्लियर कर दूं. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.